सब्सक्राइब करूँ आम चैनल स्टडी रूम को एवं ता साइड थिया बेल आइकन को क्लिक करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु जहाद्वारा आम प्रत्येक वीडियो आपन निकट रे प्रथम पहुँच पार। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी रूम वन्स अगेन। सो स्टूडेंट्स, आम आज पढ़ा अनुशीलनी पाँच री रिच्छ उदाहरण रही विषय में आम आज पढ़ा ता पूर्व आम भिडियो करते अनुशीलनी पाँच री रेसिक कनसेप्ट गुड़क आम क्लीयर करनी तो जदि से भिड को कई देखिना ताले मु तार डिस्क्रिप्शन रे एई वीडियो रे डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे देबी तार सेठी जाई के आपन देखि नै पारिबे किंबा अन्य किछि जो अन्य चैप्टर उडी को देखबा चाहुतिले हम चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब कला परे तार प्लेलिस्ट आपन को मिल जिवो सेठी जाई के समस्त वीडियो चैप्टर वाइज देख पारिबो। तार चालो तो वर्तमान वीडियो को स्टार्ट करिबा। एबे देखिबा तमा बही रो उदाहरण नंबर 7। तो देखो उदाहरण नंबर 7 कोन देछि गोटे सरल प्रिजम बाहु त्रयर दैर्घ्य दे 12 सेमी 5 सेमी एवं 13 सेमी उच्चता देखिए 10 सेमी हेल्ले यार आयतन निर्णय कर बोली कहला। तो गोटे यहाँ देखिपार गोटे सरल प्रिजम तार बाहु तार भूमि बाहु त्रय मान प्रिजम बाहु त्रयर दैर्घ्य मान सरी भूमि छाड़ मुझे लिखीदेव भूमि बाहु त्रयर दैर्घ्य 12 सेमी गोटे 13 सेमी गोटे आ गए 5 सेमी। तो आम ये देखने पारे एक्सट्रा मुझे काटि नौ तो आम चेक करवा त्रिभुज टी एक समकोणी त्रिभुज कि नुह। तो देख आम प्रथम चेक करने कौन करवा प्रथम कौन दत्त बाहु त्रय दैर्घ्य गोटे बाहू को नहींगली ए तो एगला 12 सेमी बी गोटे बाहु नहींगली 5 सेमी तो आ गए सी नहींगली गोटे बाहू 13 सेमी बुझिपारल। तो अब देख आम चेक करवा त्रिभुज टी गोटे समकोणी त्रिभुज कि नुहे। तो प्रथम चेक करवा केमी एटा को मु कर्ण नै जाउछि एटा को सी नै जाउछि एटा को ए नै जाउछि एटा को बी नै कि चेक करछि। तो देखो ए प्रथमे हमर कोन ए स्क्वायर कोन हबो सूत्र ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जदि एच स्क्वायर हे जाउछि ताले हमें पाइ जिबा कोन एटा गोटे समकोणी त्रिभुज ल जान देबा ताले ए स्क्वायर माने 12 रो स्क्वायर प्लस 5 रो स्क्वायर इज इक्वल टू 13 रो स्क्वायर हबा दरकार इज इक्वल टू 13 रो स्क्वायर हबा दरकार। तो देखो हम करबा वर्तमान 12 रो स्क्वायर केता आसीबो 144 प्लस 5 रो स्क्वायर आसी 25 एंड टोटल कले आसी 1 6 एंड 9 ताकु जदी हमें रूट ओवर करबा एटा आसी 13। तो ए जो स्क्वायर आसीला एटा आसीला परे हमर 13 रो स्क्वायर आसी गला 13 रो स्क्वायर माने हेला कोन 169। तो 13 रो स्क्वायर 169 हेला परे हमें जान देले जे कोन त्रिभुज एबीसी एक समकोणी त्रिभुज ताले प्रिज्म रो भूमि एक समकोणी त्रिभुज ले एठले के दे परबा प्रिज्म रो भूमि एक समकोणी त्रिभुज। तो प्रिज्म रो भूमि एक समकोणी त्रिभुज हो गला परे हमें आर क्षेत्रफल कर दे परबा भूमि रो क्षेत्रफल। तो भूमि रो क्षेत्रफल कौन हो हाफ इंटू समकोणी त्रिभुज क्षेत्रफल कौन सूत्र हाफ इंटू समकोण संलग्न बाहु द्वय दैर्घ्य गुणफल। तो समकोण संलग्न बाहु द्वय किए किए ये नहीं बी तो बी है 5 ए नहीं 12 तो ए है 12 तो आम लिखीद पारा ए इंटू बी अर्थात 5। तो ये देख दुई रे कैनसल कर दुई एक दुई छे को कितना 56 30 तो 30 सेम होगा यहाँ आमर भूमि क्षेत्रफल। तो आम आउ कौन पचार देख हेल्ला यार आयतन निर्णय करने कही आमको दे दी कौन आ गए एच दे दे उच्चता एच दे दे आमको 10 सेमी दे दे बर्तमान आम का प्रिज्म आयतन प्रिज्म आयतन कौन हम प्रिज्म आयतन भूमि क्षेत्रफल इंटू उच्चता सो भूमि क्षेत्रफल आम आसा के 30 इंटू उच्चता के 10 तो ये केनिश घन यहाँ सरी यहाँ वर्ग सेमी हम यहाँ हम 300 घन सेमी बुझिपारल। तो बहुत सिंपल जिनस प्रथम आम का प्रिजम भूमि एक समकोणी त्रिभुज को नुह आम प्रूफ कले तो समकोणी त्रिभुज होगा तार क्षेत्रफल आम बाहर करदे से बास प्रिजम आयतन सूत्र में पुट करके बाहर करने तो जी आम नेक्स्ट 8 नंबर उदाहरण बर्तमान आम देखा उदाहरण नंबर 8। तो उदाहरण नंबर 8 कौन दे गोटे त्रिभुजाकार सरल प्रिजम आयतन दे 37,800 घन मीटर एवं भूमि बाहु मान दैर्घ्य देती यथाक्रमे 39 मीटर 42 मीटर और 45 मीटर। तेल प्रिजम उच्चता और समग्र पृष्ठतल क्षेत्रफल आमको पचार
ତାହେଲେ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆମକୁ ଦେଇଛି କଣ ଦେଇଛି ଆମର ଭୂମିର ବାହୁ ମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି ତ ଭୂମି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ତ ଭୂମିର ବାହୁ ମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 39 ତ ବାହୁ ମାନଙ୍କ ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଏ ବି ସି ନେଇଯିବା ତ ସେଟା ମୁଁ ଆଉ ଲେଖୁନି ରାଇଟ୍ ଲେଖିବା କଣ ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 39 ଏବଂ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କଣ ନେଇଯିବା 42 ମିଟର ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କଣ ଅଛି 45 ମିଟର ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ ତିନୋଟି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିଦେଇ ପାରିବା ଏଠୁ ଆମେ ତାର ପରିସୀମା ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବା କାହାର ଭୂମିର ପରିସୀମା ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବା ଏଠି ଲେଖିବା ଭୂମିର ପରିସୀମା ତାହେଲେ ଭୂମିର ପରିସୀମା କଣ ହବ ତିନି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି ତ ଲେଖିବା 39 ଗୋଟେ 42 ପ୍ଲସ 45 ଏଠି କେତେ ଆସିବ ଦେଖ 5 2 7 9 16 ତ 6 1 3 1 4 4 8 4 12 126 ମିଟର 126 ମିଟର ଆସିଗଲା କଣ ଭୂମିର ପରିସୀମା ତ ଦେଖିବା ଆମେ ଯୋଉ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଇଟା ହଉଛି ଭୂମି କାର ପ୍ରିଜମର ଭୂମି ଇଏ ତ ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କଣ ବିଷମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ବାହୁ ଦେଇଛି 39 ଗୋଟେ ଦେଇଛି 42 ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି 45 ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଷମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ତ ଯେହେତୁ ବିଷମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କାଢିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏହାର ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିସୀମା ଦରକାର ପଡିବ ତ ଆମେ ଏହାଠୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିସୀମା କାଢ଼ିଦେବା ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିସୀମା କଣ ହେଇଯିବ ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିସୀମା ବା ଆମେ ଆକୁ ଏସ୍ ବୋଲି କହୁ ତ ଏସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କଣ ହବ ଏସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହେଇଯିବ 126 ବାଇ 2 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 212 2 3 6 ତ 63 ମିଟର ଆସିଗଲା ଏସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ତାହେଲେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାଢ଼ିଦେଇ ପାରିବା ଭୂମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତ ଭୂମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆଚ୍ଛା ଭୂମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇଁ ସୂତ୍ର କଣ ଗୋଟେ ବିଷମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଭୂମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଏସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ସି ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ତ ଏଇଟା ମନେ ଥିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲେଖିଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ଏ ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ସି ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଦେଖ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପକେଇବା ଭ୍ୟାଲୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏସ୍ ଆମର କେତେ ଆସିଲା 63 ଇଣ୍ଟୁ ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ଏ ତ ଏସ୍ ଇନ୍ ଏସ୍ ଆସି 63 ମାଇନସ୍ ଏ ମାନେ କେତେ 39 ତ 39 ଏଠି ପକେଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଏସ୍ ମାଇନସ୍ 63 ମାଇନସ୍ ପୁଣି 42 ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି 63 ମାଇନସ୍ ସି ମାନେ ହେଉଛି 45 ତ ଏତିକିର କେତେ ଆସିବ ରୁଟ୍ ଓଭର ଆସିବ ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ କଣ ହବ 63 ରଖିନେବା ଇଣ୍ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ ଆମର ଏଇଟା 39 ଗଲେ ତ 24 ଇଣ୍ଟୁ 63 ରୁ 42 ଗଲା 21 ଇଣ୍ଟୁ 63 ରୁ 45 ଗଲା କେତେ ହେଇଯିବ 18 ଏତିକିର ଆମର ଆସିବ ରୁଟ୍ ଓଭର ତାହାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ କରିବା ଆଗରୁ ବି ଜାଣିଛ ତ ଏଠି ଦେଖ ପ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ କରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଏଇଟା କେତେରେ ଯିବ ଆମର 63 ପ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ କଲେ ଆମର କରିବା କ'ଣ ଗୋଟେ 7 ଗୋଟେ ନେଇଯିବା 7 ତିରିକି 21 21 ତିରିକି 63 ତ 733 ହେଲା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା 24ଟାକୁ ପ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ କଲେ 2 ଦୁଣେ 4 ଦୁଣେ 8 ତିରିକି 24 ତ 21କୁ ପୁଣି ପ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ କରିବା କେତେ ହେବ 7 ଇଣ୍ଟୁ 3 ଇଣ୍ଟୁ 18କୁ ଆମେ ପ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ କରିବା 2 ଇଣ୍ଟୁ 3 2 3 6 3 18 ତାର ରୁଟ୍ ହବ ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ଯୋଉଟା ଡବଲ ଅଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଥର ଲେଖିବା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଇ ଯୋଉ ରୁଟ୍ ଓଭର ଟାକୁ ଆମେ ଓମିଟ କରିବା ପାଇଁ ତ ଦେଖ ଏଠି କରିବା 7 ଏଠି କେତେ ଥର ଅଛି 2 ଥର ଅଛି ତ ଗୋଟେ ଥର ଲେଖିଲି ଏଠି 3 କେତେ ଥର ଅଛି 2 ଥର ଅଛି ଗୋଟେ ଥର ଆଉ 3 ଅଛି କି 3 ଆଉ ଥରେ 2 ଥର ଅଛି ତ ଏଠି ଆଉ ଥର ଲେଖିବା 2 ଏଟା ଗୋଟେ ଥର ଲେଖିବା ଏଇ ଗୋଟେ 2 ଆଉ ଏଇ ଗୋଟେ 2 ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଲେଖିବା ତ ଦେଖ ଏଠି 3 ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ବି ଅଛି ଆଉ ଭଳି ଅଛି 3 ତ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଆଉ ଗୋଟେ 3 ତ ଦେଖ ଠିକ ହେଲା କି ନାହିଁ 7 2ଟା ତ 3 1 2 3 4 5 6 6ଟାକୁ 3ଟା ଲେଖା ହେଲା 2 2 4ଟା 2କୁ 2ଟା 2 ଲେଖା ହେଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରୁଟ୍ ଓଭର ଉଠିଯାଇଛି ତ ଏଇଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଣି ଦେବା କ'ଣ ଆସିବ ଦେଖିବା 7 3 21 3 63 63 ଦୁଗୁଣେ କେତେ ଆସିବ 63 ଇଣ୍ଟୁ 4 3 12 କରିଦେବା 63 ଇଣ୍ଟୁ 12 କରିଦେବା 12 3 36 6 3 12 ସବୁ 72 3 75 ତ 756 ଆସିବ 756 କ'ଣ ଆସିବ ବର୍ଗ ମିଟର ଆସିବ ତ ଏଇଟା ଆମର ଆସିଗଲା ଭୂମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତ ଭୂମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆସିଲା କେତେ ଆମର 756 ବର୍ଗ ମିଟର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆମ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି ପ୍ରିଜମର ଉଚ୍ଚତା ପଚାରିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପଚାରିଛି
समग्र पृष्ठतल क्षेत्रफल तेरे प्रिजम उच्चता आम कौट काम कौन आम आयतन देखी तो ये देख आम करवा आमको आयतन जना अच्छी तो प्रिजम आयतन आयतन इज इक्वल टू के आमको प्रिजम आयतन देखिए आमको 37,800 तो लिखीद ये 37,800 आयतन सूत्र कौन भूमि क्षेत्रफल इंटु उच्चता तो आम भूमि क्षेत्रफल आसला के 756 आसला ये पकईदे 756 इंटु उच्चता तो उच्चता आमको जना ना तो एच पकईद 37,800 तो ये देख एच इज इक्वल टू के बर्तमान एच इज कल टू 37,800 बाई 756 एपटे गुणी होगी थी आर पट गला हरण हो गला तो देख कैनसिल करवा आम कैनसिल करवा सात कैनसिल करवा सात एक शून्य सात अठा छप्पन तो ये कैनसिल करवा के सात सात पंचा पैंतीस आसब पैंतीस आ रहा दुई अठाई सात चौक अठाईस ये आस जीरो जीरो तो पुणी कैनसिल हम देख 108 डायरेक्ट जब कैनसिल करवा 108 एक 108 पंचा हो कि 5,400 तो हूँ 8 5 40 हो तो ये आसब 50 आसब 108 पंचा 540 तापर जीरो बुझिपार लाइक चाहिए छोटे करदे पार तो 108 इंटु 5 करदे आसो आम 540 इंटु गोटे जीरो एक्सट्रा तो 50 तो आम आसगला कौन ये एच इज इक्वल टू आसीगला एच इज इक्वल टू आम पाई कौन 50 तो आम आसीगला उच्चता इज इक्वल टू 50 मीटर आसीगला तो बर्तमान आम देखा कौन समग्र पृष्ठतल क्षेत्रफल बाहर करवा तो समग्र पृष्ठतल क्षेत्रफल सूत्र कौन बात मुझे लिखिदेवी कौन सिग्नल डब्ल्यू लिखिदेवी तो डब्ल्यू इज इक्वल टू आम कौन एल प्लस टू इंटु भूमि क्षेत्रफल भूमि क्षेत्रफल के 756 वर्ग मीटर तो 756 कौन हो देख एल मान कौन भूमि परिसीमा इंटु उच्चता तो भूमि परिसीमा के 126 अच्छी तो ये 126 इंटु उच्चता के 50 आसला प्लस टू इंटु 756 गुणीदे 212 दुई रहा 1 2 5 10 11 तो 1 2 14 1 15 तो 1512 मीटर आसला कौन आम यहाँ आसला तो नेक्स्ट देख कौन करवा तो 126 इंटु 50 करदे 5 1 30 शून्य 5 2 10 3 13 तो 3 1 5 1 5 3 5 1 6 तो 6,300 प्लस 1512 ठीक अच्छे कि नहीं देखीद 5 1 30 शून्य 3 5 2 10 3 13 3 1 5 1 5 1 6 तो ठीक अच्छे तो ये देख नेक्स्ट कौन हम 6,300 आम 1512 मिसाइल कौन हम 2 आसला 1 5 3 8 6 1 7 7,800 12 कौन वर्ग आम कौन समग्र पृष्ठतल तो आम लिखीद वर्ग मीटर बुझीपार लर आम आनी प्रिजम उच्चता प्रिजम उच्चता आसला 50 मीटर समग्र पृष्ठतल क्षेत्रफल आसला 7,812 वर्ग मीटर बुझीपार थो किसी असुविधा ही नथिबो बर्तमान ये भिडियो टी आम ये रखा यार नेक्स्ट भिडियो आम करवा उदाहरण आगू जी भी उदाहरण अच्छी करवा तो यहाँ प्रिजम सम्बन्धी ये दुईटी ही उदाहरण करवा नेक्स्ट भिडियो आम सिलिंडर सम्बन्धी किसी उदाहरण करवा तो स्टे ट्यून लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ जब भल लगी भिडियो थैंक्स फॉर वाचिंग।